नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सरयू राय के बाद झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। चुनाव के दौरान पार्टी के दो बार विधायक रहे ताला मरांडी ने पार्टी छोड़ दिया है। जेएमएम की सदस्यता ले ली है उन्होंने, जेएमएम में शामिल हो गए हैं। ताला मरांडी ने जब पार्टी छोड़ी है तो कई आरोप रघुवर दास पर लगाए हैं। सीएम रघुवर दास के बारे में उन्होंने ये कहा है कि आदिवासियों के साथ धोखा कर रहे हैं सीएम रघुवर दास और उनकी सरकार। एनसीटी सीएनटी एक्ट में संशोधन कर आदिवासियों को कमजोर करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि बड़ा आरोप लगाया है ताला मरांडी ने। यह भी कहा है कि मैंने जब इसका विरोध किया तो पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। बाद में बोरिया सीट से मेरा टिकट भी काट दिया गया। तो बड़ी खबर है, ताला मरांडी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है। जेएमएम का दामन थाम लिया है। हेमंत सोरेन जो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने ताला मरांडी को जेएमएम की सदस्यता दिलवाई है। एक और बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। जामताड़ा में पहली बार बीजेपी को जीत दिलाने वाले विष्णु भैया आजसू में शामिल हो गए हैं। तो विष्णु भैया ने भी पार्टी छोड़ दी है। यानी कि बीजेपी के दो बड़े चेहरे, दो कद्दावर नेता, ताला मरांडी जो दो बार विधायक रहे वे चले गए हैं जेएमएम में, और विष्णु भैया जिन्होंने जामताड़ा सीट से पहली बार बीजेपी को जीत दिलाई थी वे चले गए हैं आजसू में। तो सरयू राय पहले ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी सीट से, और अब बीजेपी के दो बड़े कद्दावर नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है। जाहिर है चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका होगा। चुनाव के दौरान चुनौतियां बढ़ रही हैं बीजेपी की। इन घटनाओं से यह संकेत भी मिल रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।